सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। तो भाइयों, हमारा झारखंड में डीजे बुक हुआ था 25 बेस के साथ, जो हमें ट्रैक्टर ट्रॉली पर लगाना था सेटअप। तो पहले हमारी ये बात तय हुई थी कि भाई सेटअप किस चीज़ पर लगेगा। उन्होंने हमें बताया भाई ने कि भाई हमारे यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली पर ही साउंड लगते हैं सबके, और ज़्यादा चौड़ाई नहीं होती है। चार बेस मान लो डबल स्पीकर वाली, चार बेस के हिसाब से हम ऐसा लगा सकते हैं लाइन, जो पट करके बेस लगाते हैं हम। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने कहा सभी जो डीजे और बुक होंगे वो, उन्होंने बस केवल मेरे से जो नाम लिया था केवल सार्जन डीजे का नाम लिया था उस टाइम पर, और एक जय भोलेनाथ डीजे हैं कि सभी ट्रैक्टर ट्रॉली पर लगाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उसका मैं एक्सपीरियंस है कई साल का, ट्रैक्टर ट्रॉली पर हम आसानी से सेटअप लगा सकते हैं अपना। आप सभी को पता होगा कि हम ट्रॉली की बुकिंग जो है अपनी कई बार कर चुके हैं, तो उसका मैं एक्सपीरियंस है, हमारे लड़कों को भी एक्सपीरियंस है। कोई बात नहीं, हमारी बात हो जाती है भाई से, 5000 रुपये पर साइकिल आ जाते हैं, फाइनल हो जाती है। मैंने पर्ची काट के दी हुई है, भाई के पास पर्ची भी है, उसमें भी लिखा हुआ है साफ साफ कि भाई मतलब ट्रैक्टर ट्रॉली और जनरेटर पार्टी, ये चीज लिखी हुई है उसमें साफ साफ। तो बात ट्रैक्टर ट्रॉली की थी हमारी, कोई बात नहीं। तो अभी एक महीने पहले भाई वहाँ एक मर्डर हो जाता है, उन्हीं के मोहल्ले में हमारे सनी भाई हैं जो डाल्टनगंज से, कंडू मोहल्ला, तो वहाँ पर एक मर्डर हो जाता है। तो किसी भाई का मुझ पर फोन आता है वहाँ से ही कि भाई आपकी बुकिंग कैंसिल होगी क्या। मगर भाई नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। उसके एक दो दिन बाद सनी भाई का फोन आता है कि अनुज भाई हमारे यहाँ एक ब्लॉगर ने वो ब्लॉग डाल दिया था, वो मैंने डिलीट करवा दिया है कि धड़कन डीजे कैंसिल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत ना। तो फिर से फोन आता है दो चार दिन बाद मेरे पास कि भाई आपकी बुकिंग कैंसिल होगी क्या। मैंने कहा भाई ऐसी बात तो कुछ नहीं है, नहीं तो सनी भाई मुझे बताते। ठीक है भाई। तो उसी टाइम पे भाई मुझ पे 14 अप्रैल का प्रोग्राम आ रहा था एक, और 18 अप्रैल की शादी की बुक आ रही थी। वो बहुत ही अच्छा साया है हमारे यहाँ पे 18 अप्रैल का। तो मैंने उनसे बोला कि चलो जी मैं एक बार जरा पार्टी से बात कर बताता हूँ आपको। मैंने फ़ोन किया सनी भाई को, दिन में कॉल की, शाम को कॉल की, रात को कॉल की, कॉल रिसीव नहीं हुई। एक नंबर रेगुलर चल रहा था उनका, एक नंबर स्विच ऑफ था, एक नंबर पर रेगुलर कॉल जा रही थी। कोई बात नहीं, मैंने उनसे बोला फिर पार्टी वालों से कि भाई चलो मैं कल बताता हूँ आपको। फिर मैंने अगले दिन फोन किया सनी भाई को, दूसरे दिन मतलब सुबह किया, शाम किया, रात को भी किया, कोई रिसीव नहीं किया उन्होंने कॉल, ऐसे ही फोन कॉल जाती रही। कोई बात नहीं जी। मैंने पार्टी से फिर दूसरे दिन भी यही बोल दिया कि भाई मैं कल बताऊंगा, चलो रुक जाओ। तो जब तीसरे दिन भी सनी भाई ने फोन नहीं उठाया, मतलब फोन नहीं उठाया उन्होंने, एक बार भी मैसेज भी किए हुए थे। मैंने पहले दिन ही मैंने मैसेज कर दिया था कि भाई 25,000 रुपये डाल दो, कुछ सामान लाना है। तो उन्होंने मैसेज मतलब कोई रिप्लाई नहीं दिया मैसेज को देख के, देखा नहीं देखा वो उन्हें पता होगा, कोई उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। मैंने दोनों नंबर पे मैसेज किए थे उनके पे, ठीक है जी। फिर क्या हुआ, तीसरे दिन मैंने जब पार्टी के फोन आ रहे कि भाई 18 अप्रैल की बुक कर लो और 14 अप्रैल की दूसरी पार्टी थी, मैंने कहा भाई चलो, मैंने उनकी बुक कर ली। मैंने सनी भाई के पास मैसेज किया कि भाई 3 दिन से रेगुलर आपको कॉल कर रहा हूँ मैं, और आप रिसीव ही नहीं कर रहे हैं, अब कॉल मत करना। अब मैंने यहाँ पे 14 अप्रैल का और 18 अप्रैल का प्रोग्राम बुक कर लिया है, अब हम डीजे नहीं ला पाएंगे। तो चौथे दिन फिर कॉल आती है सनी भाई की कि भाई मेरा फोन टूट गया है, इसलिए मैं आपकी कॉल रिसीव नहीं कर पाया, ये दूसरा नंबर है घर का, जैसे भी उस नंबर से कॉल आई उनकी। मैंने कहा ठीक है भाई चलो। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा मत करना। मैंने कहा भाई बुक हो चुकी है अब 14 अप्रैल की और 18 अप्रैल की। उन्होंने फिर भी हमसे जैसे ही बात करी हमने मान लिया, चलो ठीक है भाई। फिर उसके 2 दिन बाद मैंने कहा उनसे कि भाई नहीं मान रही, वो हमारी जो 18 अप्रैल की पार्टी है वो नहीं मान रही, क्योंकि शादी का साया हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीजन हैवी है, तो वो पार्टी नहीं मान रही। वो कह रहे हैं कि हमें तो तुम्हारा ही डीजे चाहिए, हमने तुम्हारा बुक किया है। तो मैंने 3 दिन तक रेगुलर कॉल की थी, आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, और आपके यहाँ से फोन मुझ पा रहा था कि भाई यहाँ पे मर्डर हो चुका है और तुम्हारी बुकिंग कैंसिल होगी। तो मान लो कुछ तो ये बात किसने मुझसे बोल ली, आपने भी ये बात मुझसे बोल ली कि हाँ मर्डर तो हो चुका है लेकिन हम दूसरे मोहल्ले से निकाल लेंगे। तो भाई तुम फिर 3-4 दिन तक फोन उठा दो, मेरे तो दिमाग में आएगा कि भाई कैंसिल ही कर रहे हैं, चलो मैंने इसलिए बुक कर ली, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर वहाँ पे पंकज डीजे बुक हो जाता है, पंकज चंदन क्यारी, वो 35 से 40 बेस का उनका ट्रक पर लगने का बुक हुआ डीजे, कोई बात नहीं जी। सार्जन डीजे है वो भी जब भी कन्फर्म होते हैं तो उनका भी जो है ट्रक पे ही बताया उन्होंने हमें कि 35 बेस वो भी ट्रक पे लगाएंगे, जो उन्होंने पहले रोड शो किए हुए हैं वही वाला सेटअप लगेगा। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने कहा भाई सुनो, हम पे तो देखो ट्रक पे लगेगा नहीं 35 बेस का। वो कहने लगे भाई आप, मैंने पहले ये बोला कि भाई एक कैंटर में ना तो सामान आएगा, हमने एक कैंटर बुक करी थी उसी रेट में, हमारा जिस हिसाब से डीजे तय था उनसे उस हिसाब से हमने अपने हिसाब से सामान उनसे तय किया था। मैंने कहा भाई एक कैंटर में 35 बेस नहीं आ पाएंगे। वो बोलने लगे भाई आप पैसे बढ़ा लो, जो भी आप सामान बढ़ाओगे उसके पैसे बढ़ा लो, और जी जो है कैंटर आप दो कर लो, मैं कर देता हूँ। नहीं तो उन्होंने भी कहीं पर बात करी थी हमारे मेरेट में, बोल रहे थे कि एक 14 फुटी कैंटर
और एक 19 फुटी कैंटर 1,20,000 रुपये में हो चुकी है। मैंने कहा ठीक है भाई चलो देखते हैं। मैंने कहा देखो अभी तो फिलहाल सामान का अरेंजमेंट नहीं हो पाने का 35 दिन का, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है 14 अप्रैल के भी प्रोग्राम बुक है, 2 टाटा के बाकी अलग से, और जी 18 अप्रैल के शादी में प्रोग्राम बुक है, तो शायद मुश्किल हो पाएगा 35 दिन का। हमने उनसे मना कर दिया कि भाई, और मैंने मैसेज भी भेजा हुआ है उन्हें कि भाई जो तुम्हारे यहाँ पे 35 दिन का ट्रक पे सेटअप लगा दे वो तुम बुक कर लेना, हम नहीं कर पाएंगे। हमारे सारे लड़के ने मना कर दिया क्लियर, क्योंकि भाई देखो हमने ट्रक पर कभी सेटअप लगाया नहीं है, नहीं हमें एक्सपीरियंस है बिल्कुल भी, तो मान लो कुछ हादसा ना हो जावे उसकी वजह से। मैंने उनसे बोला कि भाई हम नहीं कर पाएंगे ट्रक पर, क्योंकि हमें भाई कभी लगाया नहीं है। अब वो सार्जन भाई हैं हमारे या जो भी डीजे वाले हैं वो तो लगाते रहते, उन्हें एक्सपीरियंस है, हमें ट्रोलिंग का एक्सपीरियंस है, हमने ट्रोला बुक किया आपसे। 25 बेस का सेटअप हमें पता, हम एक दिन में रेडी करके आपको दे देंगे, उसका हमें पूरा अपने आप पर भरोसा है। ठीक है जी, आप बोलने लगे कि भाई बेइज्जती हो जाएगी हमारी और तुम्हारा बहुत वो पड़ा है यहाँ पे, मतलब ब्लॉगर लोगों ने बहुत ब्लॉग बना रखे हैं और आपका बहुत नाम हो रहा है, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है भाई, लेकिन हम पे 35 बेस का नहीं लग पाएगा। मैंने आपको मैसेज भी करा, मैंने अभी दिखाऊंगा आपको इसी वीडियो में मैसेज भी दिखाऊंगा मैंने किए थे या नहीं किए थे। ठीक है जी, उसके बाद जब मैंने मना कर दिया आपसे तो आप बोल रहे सनी भाई कि आप 25 बेस ही लेकर आओ ट्रोले पे। तो देखो इतना बात आपको ही पता है, मतलब ट्रोले पे लगाना आप 25 बेस आप बोल रहे थे। मैंने आपसे कहा कि भाई अगर जो ट्रक पे वो सामान लगाते हैं जिस तरह से सेटअप लगाते हैं, हमारा 25 बेस का ट्रोले पे कुछ भी नहीं बच पाएगा उनके सामने। तुमने कहा तो फिर ट्रक ही कर लो, ये है वो है, जैसे भी जो भी एडजस्ट होगा मैं गार्डर यहाँ से किराए पे कर लूंगा। मैंने बोला कि फ्रेम हम बना लेंगे, मैंने ये बात भी कही थी आपसे, चलो फ्रेम हम बना लें, लेकिन लड़के ने हमारे ने क्लियर मना कर दिया कि हम पे सेटअप नहीं रेडी हो पाएगा वो ट्रक पे लग के। ठीक है जी, उसके बाद आप बोलते हो कि 25 का ले। मैंने कहा भाई 25 का हमारा हार जाएगा, देखो हमें 1,000 किलोमीटर यहाँ से वहाँ आएंगे झारखंड डाल्टनगंज में, 1,000 किलोमीटर हमारे यहाँ से पड़ता है कि भाई हमारा वहाँ पर डीजे 25 बेस का उनके 35 बेस या 40 बेस के सामने बिल्कुल हार जाएगा, आपकी बेइज्जती होगी हमारी बेइज्जती होगी। आपने बोला कि नहीं जो भी है जैसे भी है आप आओ। मैंने बोला कि भाई आप वहीं से कोई बुक कर लो, नहीं हो पाएगा। उसके बाद आप कह रहे हो कि 16 बेस लेकर आ जाओ, चाहे 10 बेस लेकर आ जाओ, 12 बेस लेकर आ जाओ, तो भाई इतना आप भी समझ सकते हो। देखो हम इतनी दूर यहाँ से आएंगे, हम अपनी बेइज्जती कराएंगे, आप हमारी पार्टी हो, आपकी भी बेइज्जती होगी सबके सामने। वहां पर गुस्सा किसी को भी आ जाता है, मान लो आपसे मेरी बात आप सही हो, आप सही तरीके से बात करो, लेकिन एक बार जब डीजे हारता है ना बराबर में लगकर और हम इतनी दूर से आएंगे आपके पास में, तो भाई पता नहीं किसका दिमाग कैसे खराब हो जाए, कोई क्या बोलने लगे। हमें ऐसे मेरिट में कोई बचाने थोड़ी आएगा आपके पास में। मान लो आपके पार्टी का दिमाग खराब हो जाए कि भाई हमारे तो बेइज्जती करा दी आपने, तो भाई सारी बात ये थी, मैंने आपको बताया था कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा ट्रक पे 35 बेस हम नहीं लगा पाने। हाँ ट्रक 25 बेस की बात है, ट्रोले पे अगर 25 बेस का किसी का भी डीजे है वहां पे, किसी का भी हमारे सामने लगेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कंपटीशन आप एक बार करो, 2 बार करो, 4 बार करो, अगर बराबर सामान है और ट्रोले पे लगा हुआ है तो हमें फिर कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। हम ट्रोले में ही हमारा सामान लगाने में जो है सक्षम है, ट्रक पर हमने कभी लगाया नहीं है। अभी मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ भाइयों, मैंने कब मैसेज किया था अपने सनी भाई को, ये देखो भाई इधर कैमरा, ये भाई 17 मार्च का मैसेज है। देखो मैंने सनी भाई 25,000 रुपये डलवा दो, ठीक है जी। उसके बाद ये 19 मार्च का मैसेज है, मैंने 17 में कॉल की, 18 में कॉल की, फिर 19 में मैंने ये मैसेज किया, भाई अब कॉल मत करना, 3 दिन से कॉल कर रहा हूँ, आप रिसीव नहीं कर रहे, अब मैंने 14 अप्रैल का प्रोग्राम बुक कर लिया है, ठीक है भाइयों। उसके बाद में सनी भाई की फिर से कॉल आती है, बात होती है हमारी, मैंने बात कर ली, चलो जैसे भी है। जब वो 35 बेस के लिए बोलने लगे कि भाई ट्रक पर तुम्हें 35 बेस लगानी पड़ेगी, तो भाइयों देखो मैंने ये मैसेज किया उन्हें, सनी भाई आप कोई और डीजे बुक कर लो, कर लेना 35 बेस का, 18 अप्रैल की जो पार्टी बुक करी थी मैंने वो पार्टी नहीं मान रही। तो भाइयों मैंने बताया था सनी भाई को कि सनी भाई 14 अप्रैल का और 18 अप्रैल का मैंने प्रोग्राम यहाँ पे बुक कर लिया है, अब आप कॉल मत करना। हमारी पार्टी ने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया 18 अप्रैल वाले ने भी कि भाई हमें कुछ नहीं पता, हमें आपका ही साउंड चाहिए। तो मैंने बोला सनी भाई आपका जो वहां पे काम कर सकता हो 35 बेस का ट्रोले पे वो आप बुक कर लो, हम पे नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है सनी भाई, मैंने आपसे मना कर दिया। उसके बाद जो है आप कह रहे कि 8 बेस लेकर आ जाओ, 10 बेस लेकर आ जाओ, 12 बेस लेकर आ जाओ, बीच बीच में मैं कॉल रिसीव नहीं कर रहा, तो आप धमकी भी दे रहे हो कि हम तुम्हारे खिलाफ केस कर देंगे और तुम आओ यहाँ डाल्टनगंज में आके दिखाना क्या नाम है तारीख पे, और तुम्हें जब बताते मिलो हमसे यहाँ एक बार आकर, मतलब उल्टे सीधे आप मैसेज भी कर रहे हो मुझे धमकी वाले सारे मैसेज मेरे पास। चलो मैं नहीं दिखा रहा, कुछ ऐसी बात आएगी तो वो भी मैं दिखा दूंगा, लेकिन सनी भाई ऐसी कोई बात नहीं है। देखो अब
आप मेरी छवि खराब करना चाह रहे हो उस पर कि हमारे साथ फ्रॉड कर दिया है भाई। मैंने आपके जो है पैसे तो मार लिए कि भाई मैंने आपसे पैसे ले गए। आपसे मैंने 25,000 रुपए के लिए बोला कि भाई 25,000 रुपए डलवा दो, कुछ सामान लाना है। आपने 10,000 रुपए डाले, वो भी कई दिन बाद डाले, बात होने के कई दिन बाद आपने डाले। कोई बात नहीं, मैंने एक्सेप्ट कर ली बात, कोई दिक्कत नहीं हुई इस चीज से। पैसे की बात कोई कहीं से कहीं तक थी नहीं बीच में हमारी कि भाई हम पैसे तुमसे, मैं तुम्हें पैसे बढ़ाऊंगा 35 बेस के या 35 बेस में लगाऊंगा या फिर 1,00,000 रुपए एक्स्ट्रा दो आपसे, ऐसी कोई मेरी बात नहीं थी। आपने कहा कि आप जो पैसे एक्स्ट्रा लो वो ले लेना, बाकी जो कैंटर दो करोगे उसके जो पैसे बढ़ेंगे वो उसके हिसाब से बढ़ जाएंगे। आपने ये बात करी थी, मैंने कहा चलो ठीक है जी कोई बात नहीं। बाकी देखो इसमें कोई सनी भाई ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको मैसेज कर दिए थे पहले ही कि हम पे नहीं हो पाएगा ट्रक पे जो है 35 बेस का सेटअप। तो आप मेरी छवि खराब कर रहे हो उसमें लाइव में जुड़ के। वो विवेक भाई तुम सब बोल रहे थे मेरे से खुद फोन पे कि मैं सभी यूट्यूबरों को यहाँ का पैसा दे के तुम्हारे खिलाफ वीडियो बनवाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो भाई सनी भाई ये बात गलत है, आप ऐसे मत करो, ये बात गलत है आपकी। और चलो वीडियो डाल रहे हो आप, उसमें फिर सच्चाई बताओ ना, अपनी भी तरफ की भी बात बताओ जो मैंने आपसे बोली है, सारी बात सच वाली बताओ। उसमें तुम झूठ बोल रहे हो कि भाई हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं, ये कर दिया वो कर दिया एंड टाइम पे नहीं मैसेज। मैंने देखो आपको काफी टाइम पे मैसेज किए हुए, पहले बहुत पहले मैसेज किए हुए हैं, अब से करीब मान लो 1 महीना 25 दिन पहले मैसेज कर दिया था मैंने आपको कि भाई हम नहीं आ पाएंगे, अब कॉल मत करना आप। उसके बाद हमारी बात होगी तो फिर आपने ट्रक की जिद करी कि ट्रक पे 35 बेस लगाना, नहीं तो हमारे यहाँ बेइज्जती हो जाएगी सारे में, ये है वो है। मैंने आपसे मना कर दिया कि भाई हम पे ट्रक पे नहीं हो पाएगा। तो आप उसके बाद बताओ आप ऐसी सी बात बोल रहे हो हमसे बाद में, लास्ट टाइम में आप ही कह रहे हो कि भाई हमने तो मना कर दिया आपसे कई दिन पहले भी, आप लास्ट टाइम में बोल रहे हो कि मतलब धमकी दे रहे हो हमें कि ये कर देंगे वो कर देंगे। देखो ये बात गलत है आपकी सनी भाई, आप धमकी देने के बाद ही फिर दोबारा से कह रहे हो कि भाई 12 बीएसी लेकर जाओ, जब आप धमकी भी दे रहे हो हमें और फिर हम उसके बाद बताओ कैसे लेकर जाएंगे। आप खुद बताओ हम 1,000 किलोमीटर मतलब यहाँ से आएंगे तो कोई हमारे यहाँ का यूट्यूबर तो हमें बचाने आएगा नहीं, आपकी पार्टी से या किसी से भी मान लो, या जो भी हमारे यहाँ का डीजे वाला हमारी बुराई कर रहा है आपसे कुछ भी कह रहा है ना, वो कोई डीजे वाला बचाना आएगा। ये तो सब ये है कि एक दूसरे मुझसे यहाँ चलते हैं कोई, वो जलने वाले आपसे कुछ गलत बोल रहे होंगे, कुछ गलत बात मेरे बारे में बता रहे होंगे कि अंदर से ऐसा है बाहर से ऐसा। भाई मैं जैसा हूँ ऐसा ही हूँ, कोई अंदर से बाहर से मैं बुरा नहीं हूँ या जैसा भी हूँ, बुरा हूँ तो बुरा हूँ अच्छा हूँ तो अच्छा हूँ। लेकिन मैंने आपको मैसेज किए हुए पहले ही कि भाई हम पे नहीं लगेगा 35 बेस का, अब आप उसमें मेरी ही गलती बताई जा रहे हो, मेरी ही गलती बताई जा रहे हो, तो एक गलत बात है सनी भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आपके 15,000 रुपए आए थे, 10,000 आपने बाद में डाले थे, 5,000 रुपए आपने पहले डाले थे, आपके मैंने 15,000 रुपए रिटर्न कर दिए हैं। और मैंने आपसे बोला भी था देखो कि भाई ऐसी बात नहीं है, प्रभु श्री राम का काम है, धार्मिक काम है, 15,000 के 30,000 ले लो मुझसे और बताओ मैं दे दूंगा। आपने एनडीए वाले से बात करी, वो पैसे एक्स्ट्रा मांग रहे। मैंने आपसे क्या कहा कि भाई मैं 10 बेस दे रहा हूँ उन्हें अपनी, 6 लाइनर दे रहा हूँ, सेट भी दे रहा हूँ, मैंने उनसे कोई 1 रुपया नहीं चाहिए। मैंने वो बात दिनेश भाई से ही बोली थी कि भाई मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, तुम उनका काम कर जाओ। और मैंने स्पेशल तुम पे कॉल करके ये बोला था कि भाई तुम जो भी उस समय तय कर रहे हो उनसे डीजे जितने भी तय कर रहे हो कि 20,000 रुपये मैं अपनी तरफ से दूंगा एक्स्ट्रा, वो मैं तुम्हें डाल दूंगा और आप उन्हें दे देना। मैं उनसे ये भी नहीं बोलूंगा कि भाई मैंने 20,000 रुपये उन्हें दिए अपनी तरफ से कुछ भी, केवल एक धार्मिक काम है इस वजह से। लेकिन बस मेन बात यही है कि 35 बेस का हम पे ट्रक पे जो है सेटअप नहीं लग पाएगा, उसमें आपकी बेइज्जती होती है हमारी बेइज्जती होती है क्योंकि हम पे नहीं लग पाएगा। और हमारा 25 बेस का ट्रोला वहां पर हार जाता है, आपको भी पता है हमें पता है, क्योंकि ट्रोले पे अगर 25 बेस है उनकी भी और हमारी भी तो एक बात अलग है, बाकी जैसे उनका ट्रक पे लगेगा सेटअप और हमारा अगर ट्रोले पे 25 बेस रहता तो वो बात बहुत अलग हो जाती। तो सनी भाई यही बात है, बस आपसे मैं यही बात बोलना चाहता हूँ, आप इसमें कोई गलत वीडियो मत बनाओ। यूट्यूबर तो हमारे यहाँ भी हमारे जानने वाले बहुत है, वीडियो हम भी बना सकते हैं, पर ऐसा गलत नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी। बाकी आप बोल रहे हो कि हमने जनरेटर को इतना एडवांस दे रखा है 20,000 30,000 और किसी और को दे रखा, भाई आपने सबसे जो महंगी चीज थी वो हमारा तो 5,000 रुपए देगा आपने बुक कर लिया, आप जनरेटर को बता रहे हो कि 20,000 एडवांस देकर बुक कर रखा है मैंने। और ये चलो जैसे भी है वो आपने दे रखे होंगे भाई, वो तो आपकी मर्जी, आप पता नहीं किसी को 30 दो, अगर मान लो कोई 30 में तो आप उसे 30 पहले दे सकते हो, ये बात आपकी सही है। आपने हमें 5 दिए, हमने 5 में आपकी एक्सेप्ट कर ली थी बात, मैंने उसके बाद 25 के लिए बोला, आपने 10,000 डाले कई दिन बाद, कोई बात नहीं पैसा इसमें कोई नहीं है चलिए भाई। लेकिन बस आप बात खत्म करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो कमेंट करते रहते हैं तो भाई मान लो सार्जेंट जी के फैन है कोई या कोई भी है जो कमेंट करते रहते हैं कि धड़कन डर गया या ये है उसका पहले ही हो गया कुछ भी हो गया, सार्जेंट भाई का एक भी कमेंट उसमें कमेंट में नहीं होगा। कोई भी डीजे वाला किसी को डीजे वाला गलत नहीं बोलता ऐसे कमेंट के थ्रू, वैसे तो एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं बहुत से चलने वाले जो हमारे मेरठ में, यहाँ बहुत से डीजे वाले चलने वाले हैं वो एक दूसरे की बुराई तो करते रहते हैं, पर ऐसे कमेंट में कोई किसी के लिए कमेंट गलत नहीं करेगा। तो भाइयों बस मेरा यही कहना था, बाकी सभी भाइयों को जय श्री राम।